तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम चंद्रपत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा राम चंद्र महाराज की जय। कहीं प्रणाम कछु कहन लिए सिय भई शिथिल सने, थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमंत्र कहने लगे, प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर में रोमांच से व्याप्त हो गया है। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, के वट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखे उठाड कुलिस धरी छाती। फिर उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरेऊ लेहि राम संदेशु। अस कही सचिव वचन रही गयहुँ, हानि गलानि सोच बस भयहु। सुमंत्र कहते हैं, मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया है। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए, वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनी उर दारुण दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूं मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सुनी विलाप दुख दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जा सकता है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा होगा और धीरज का भी धीरज भाग गया होगा। श्री राम जय जय राम दोहा, भयउ कोलाहल अवध अति, सुनिन पिराउर सोरु। विपुल वियग बन परउ निसी, मानहु कुलिस कठोरु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर आग लग गई हो। प्राण कंठ गत भय हो भुआलू, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु ना बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई हैं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना, रबिकुल रबि अथयो जिए जाना।
उर्धरी धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। उधर कौशल्या जी ने देखा राजा दशरथ बहुत दुखी होकर नीचे पड़े हैं। उसने हृदय में जान लिया अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन कहने लगी। नाथ समुझी मन कर ये विचारू, राम वियोग पयोधी अपारू। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े उस कल प्रिय पथिक समाजू। महारानी कौशल्या कहने लगी, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार उसको खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए तपाई अपारु, नाहि तबूढ़ी सबु परिवारु। जो जिए धरिए विनय पिय मोरी, रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। श्री राम जय जय राम दोहा। प्रिया वचन मृदु सुनत निरपूचित, यूं आँखी उघारी। तलपत मीन मलिन जनु, सीचत शीतल बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कहे राम कृपालू। कहा लखनु कहे राम स्नेही, कहे प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा दशरथ उठ बैठे और बोले, हे सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ पर है, लक्ष्मण कहाँ पर है, स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्यारी बहु जानकी कहाँ पर है। बिलपत राव बिकल बहु भाती, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सैव कथा सुनाई। राजा दशरथ व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सारी कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा दशरथ व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन राम प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हे पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, श्री राम जय जय राम दोहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयो सुर धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज दशरथ राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जपले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज।